अजमेर शरीफ के दरगाह का खादिम गौहर चिश्ती हैदराबाद से गिरफ्तार। उदयपुर के कन्हैयालाल मर्डर के मामले में आरोपी है गौहर चिश्ती। गौहर चिश्ती को हैदराबाद से देर रात जयपुर लाया गया, वेश बदलकर 15 दिनों से पुलिस को दे रहा था चकमा। गौहर चिश्ती के साथ अमानुल्ला का नाम का शख्स भी गिरफ्तार। हैदराबाद के पीली खान में अमानुल्ला ने मकान में छिपा कर रखा था गौहर चिश्ती को। गौहर चिश्ती की आज अजमेर की अदालत में पेशी होगी। एनआईए आगे की तहकीकात के लिए गौहर की कस्टडी लेगी। अजमेर पुलिस आज सुबह 10:30 बजे करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। गौहर चिश्ती की गिरफ्तारी पर कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। पीएफआई की साजिश पर पुलिस का खुलासा। पटना दौरे पर निशाने पर थे पीएम मोदी, गड़बड़ी करने का था प्लान। पुलिस के मुताबिक 6 और 7 जुलाई को केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से पीएफआई के लोग बिहार आए और फर्जी नाम से होटल बुक कराए। पटना में पीएफआई मॉड्यूल का खुलासा। 2047 तक इस्लामी राज कायम करने की साजिश पर कर रहे थे काम 3 गिरफ्तार। पुलिस ने अब तक पीएफआई के 26 मेंबर्स के खिलाफ किया एफआईआर दर्ज। ईडी करेगी 83 लाख की फंडिंग की जाँच। गिरफ्तार जलालुद्दीन के घर से पीएफआई के 49 झंडे मिले हैं। हिंदी और उर्दू में छपे पर्चे और बुकलेट भी बरामद किए गए हैं। संदिग्धों की गिरफ्तारी पर पीएफआई की सफाई। फर्जी दस्तावेज के जरिए फंसाने की कोशिश, बिहार पुलिस ने झूठी कहानी बनाई। पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो ने पीएफआई की ट्रेनिंग की संघ से तुलना की। आरएसएस की शाखा की तरह दे रहे थे प्रशिक्षण, कहा एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो के। एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने नोटिस भेजा, 48 घंटे में जवाब भी मांगा। एसएसपी पटना का बयान के विवाद। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने माफी मांगने की मांग की। विवाद बयान पर पटना एसएसपी को मिला कारण बताओ नोटिस। रविशंकर प्रसाद बोले गैर जिम्मेदाराना बयान। सिख नेता रिपुदमन सिंह मलिक की गोली मारकर हत्या। कनाडा के सरे में रिपुदमन को गोली मारी गई। रिपुदमन सिंह की हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चला। मौके से एक जलती कार बरामद की गई है। महाराष्ट्र में अगले 48 घंटे भारी बारिश की आशंका। मुंबई, ठाणे, पालघर में ऑरेंज अलर्ट। महाराष्ट्र के 9 जिलों में एनडीआरएफ की 14 टीम लगाई गई। मुंबई में 5 टीम, ठाणे और पालघर में 2-2 टीम। मुंबई में आज 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की आशंका। मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की हिदायत। मुंबई को पानी सप्लाई करने वाली 7 झीलों में से तानसा झील ओवरफ्लो। झील के 38 गेट में से 9 गेट खोले गए हैं। अमरावती के मेल घाट में लगातार हो रही बारिश से सिपाना और तापी नदी में पानी भरा। 20 गांवों का 4 घंटे के लिए संपर्क कटा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में 2 दिनों से बाढ़ में फंसे 22 ट्रक चालकों का पुलिस के जवानों ने रेस्क्यू किया। जान जोखिम में डालकर चलाया ऑपरेशन। पालघर जिले में मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर भूस्खलन के बाद आए चट्टान को हटाने का काम जारी। बरसात होने से मिट्टी बहकर नीचे आ रही है। सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, जहां जहां बाढ़ के हालात हैं वहां के जिलाधिकारियों के साथ हम संपर्क में हैं। गुजरात में वलसाड के काशीमीरा नगर में भरा पानी। भारी बारिश की वजह से पहले से ही अलर्ट पर किया गया था लोगों को सुरक्षित जगहों तक भेजा गया। तेलंगाना के मुलुगु जिले के कई आदिवासी गांव गोदावरी नदी के बाढ़ की चपेट में आए। खाने के सामान के लिए रस्सी के सहारे पानी पार करके जाने को मजबूर। श्रीलंका में गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे के बाद जश्न का माहौल। लोगों ने राष्ट्रपति भवन के बाहर मनाया जा। गोटाबाया स्पीकर के कार्यकाल को ईमेल। गोटाबाया ने स्पीकर को अपना इस्तीफे का ईमेल भेजा और आज आएगा इस्तीफे का हालात। स्पीकर के ओर से बताया गया कि गोटाबाया का इस्तीफा की जांच की जाएगी। कानूनी प्रक्रिया के बाद औपचारिक ऐलान किया जाएगा। गोटाबाया राजपक्षे सिंगापुर में ही रहेंगे, मिडिल ईस्ट नहीं जाएंगे। सिंगापुर विदेश मंत्रालय का बयान, गोटाबाया राजपक्षे निजी यात्रा पर आए हैं, नहीं दी गई है शरण। श्रीलंका में हालात सुधरने के लिए सेना को मिली शक्तियां। उपद्रव और तोड़फोड़ से हुआ बड़ा नुकसान। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान, लोकतांत्रिक तरीके से श्रीलंका के लोगों के साथ भारत खड़ा रहेगा। देवेंद्र फडणवीस आज सुबह 11 बजे राज ठाकरे से करेंगे मुलाकात। 2 दिन पहले बारिश के कारण रद्द हुई थी मुलाकात। 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद का चुनाव होने के बाद 19 या 20 जुलाई को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कर सकते हैं अपने मंत्रिमंडल का विस्तार। सूत्रों के हवाले से खबर। महाराष्ट्र के लोगों को बड़ी राहत। पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए सस्ता किया गया। राज्य सरकार ने वैट में कटौती की। ईडी ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे को आज तलब किया। एनएसी कर्मियों के अवैध फोन टैपिंग के मामले में पूछताछ के लिए पेश होने को कहा। यूपी के उत्तराखंड बॉर्डर से लेकर मुजफ्फरनगर के कांवड़ मार्ग पर जिला प्रशासन मुस्तैद। जगह जगह बनाई गई है व्यापक तैयारी। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए निगम प्रशासन ने मोर्चा संभाला। आदेश का पालन करने और तमाम चीजों पर अधिकारी जुटे। बालटाल और चंद्रवारी से रुकी अमरनाथ यात्रा रास्ते में कई जगहों पर भारी बारिश के चलते रोकी गई। जम्मू कश्मीर के एलजी का बयान, अमरनाथ यात्रा में मरने वालों के परिवारों को 5 लाख रुपए तीर्थ मंडल से मिलेंगे। सावन के पहले दिन बरेली में चिकन बिरयानी की दुकान का अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा हुआ। 2 समुदाय के बीच बहस के दौरान चाकूबाजी। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया। इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया। इंदौर में चौराहे पर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी के साथ मारपीट करने वाले दंपति को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की गिरफ्त में आते ही दोनों ने माफी मांगी। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के श्रृंगार गौरी मामले में आज भी होगी सुनवाई। हिंदू पक्ष ने गुरुवार को वक्फ एक्ट पर अपनी दलीलें पेश की थी।
मूसेवाला मर्डर केस में पंजाब पुलिस को शूटर अंकित और सचिन की एक दिन की ट्रांजिट रिमांड मिली। देशद्रोह के केस में शर्जिल इमाम की जमानत पर कोर्ट ने फैसला टाला, अब 20 जुलाई को होगी सुनवाई। मोहम्मद जुबेर की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा गया, आज सुनाया जाएगा फैसला। कुमार विश्वास की सिक्योरिटी बढ़ाकर वाई प्लस की गई, केंद्र ने इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर बढ़ाई सुरक्षा। तय समय पर होगी नीट यूजी 2022 परीक्षा, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की एग्जाम स्थगित करने की याचिका। डीयू के वीसी का बयान, अगर दो छात्रों का सीयूईटी स्कोर बराबर हुआ तो 12वीं की मार्कशीट को रहम रखा माना जाएगा। आपातकाल के दौरान जेल जाने वालों को मिलेगी पेंशन, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ ने ऐलान किया। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का रास्ता साफ हुआ, महाराष्ट्र कैबिनेट ने सभी तरह की मंजूरी दी। हिमाचल के सीएम का ऐलान है, स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा अधिकारियों के 500 पदों को भरा जाएगा। लोगों को गोलगप्पे खिलाने के बाद दार्जिलिंग में एक दुकान पर मोमोज बनाती दिखी सीएम ममता बनर्जी। दलाई लामा का चीनी कट्टरपंथियों पर हमला, कहा कि चीन से आजादी नहीं तिब्बती बौद्ध संस्कृति को बचाने की मांग कर रहा हूं। कोरोना वैक्सीन के फ्री बूस्टर डोज की आज से शुरुआत होगी, 18 साल से अधिक आयु वर्ग के सभी लोगों को 75 दिनों तक फ्री में बूस्टर डोज लगाया जाएगा। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन अस्पताल में भर्ती, 12 जुलाई को हुए थे कोरोना संक्रमित। असम के कछार जिले में सभी कार्यालय और सार्वजनिक समारोह में मास्क पहनना अनिवार्य किया गया। वेनेजुएला में कोरोना वैक्सीन को भारी किल्लत, फंड की कमी की वजह से सरकार नहीं कर पा रही है वैक्सीन की खरीद। यूक्रेन के वेनिसिया शहर में रूसी मिसाइल अटैक, 3 बच्चों सहित 21 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोग घायल। पूर्वी यूक्रेन के दोनेस्क पर भारी शेलिंग, 2 लोगों की मौत, 3 घायल। रूसी सेना का दावा, माइकोलेव और दोनेस्क में 1000 यूक्रेनी सैनिकों को मार गिराया गया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहली पत्नी इवाना ट्रंप का निधन, 73 साल की इवाना का न्यूयॉर्क में देहांत हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने इवाना की मौत पर जताया दुख, लिखा, वो एक अद्भुत और सुंदर महिला थी जिन्होंने एक महान और प्रेरणादायक जीवन बिताया। ब्रिटेन के पीएम की रेस में ऋषि सुनक की एक और धमाकेदार जीत, दूसरे राउंड की वोटिंग में 101 वोट मिले। इसराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को प्रेसिडेंशियल मेडल से सम्मानित किया, बाइडेन ने हमेशा इसराइल का साथ देने का दिया था भरोसा। यरूशलम में सैकड़ों इजरायली और फिलिस्तीनी महिलाओं ने किया प्रदर्शन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की इसराइल और फिलिस्तीन के बीच राजनीतिक समझौते करवाने की अपील। रामल्ला में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के इसराइल दौरे के खिलाफ प्रदर्शन, फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों ने बाइडेन का पोस्टर जलाया। फ्रांस के बॉर्डों के जंगलों में लगातार 3 दिन से फैल रही है आग, 1000 से ज्यादा फायर फाइटर्स वाटर डंपिंग प्लेन्स की कोशिशों के बावजूद काबू में नहीं आग। स्पेन में गर्मी की वजह से फैल रही है जंगल की आग, सैकड़ों लोगों को जंगल के पास से हटाया गया। पुर्तगाल के जंगलों में भी आग, हाईवे के पास से लगातार आप आग की लपटें देख सकते हैं। इटली में भारी गर्मी की वजह से पो वैली में सूखे के हालात, नदियां सूखी, खेती पर मंडराया खतरा। पूर्वी चीन में टूटा गर्मी का रिकॉर्ड, शंघाई में गर्मी का रेड अलर्ट जारी, पारा 41 डिग्री के पार पहुंचा। पूर्वी रूस में भारी बारिश की वजह से कई गांव पानी में डूबे, राहत कर्मी बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने में जुटे। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में गिरावट लगातार जारी, गुरुवार को 18 पैसे की गिरावट दर्ज, एक डॉलर की कीमत 79.99। थोक महंगाई दर जून में मामूली गिरावट के साथ 15.18% पर, मई में उच्चतम स्तर 15.88% पर थी थोक महंगाई दर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की G20 देशों से अपील, प्रस्तावित ग्लोबल मिनिमम टैक्स समझौते में विकासशील देशों के हितों की रक्षा करें। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का ई कॉमर्स कंपनियों को निर्देश, बिना डॉक्टर की पर्ची के आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी दवाएं ना बेचें। असम के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट फाउंडेशन ने राहत कार्यों के लिए 2 करोड़ रुपए दान किए। लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने पहले मैच में हार का लिया बदला, दूसरे वनडे में टीम इंडिया को 100 रनों से हराया। 3 मैचों की सीरीज में अब 1-1 से बराबरी पर है दोनों टीमें। 17 जुलाई को खेला जाएगा तीसरा और आखिरी वनडे। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी की, इंग्लैंड की टीम 49 ओवर में 246 रन पर ऑल आउट हुई। लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया का खराब बल्लेबाजी, 39 ओवर में 146 रन बनाकर हुए आउट। रोहित शर्मा और ऋषभ पंत 0 पर आउट हुए, शिखर धवन 9 और विराट कोहली 16 रन बना पाए। इंग्लैंड के चॉपली ने शानदार गेंदबाजी करते हुए भारत के 6 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा, विली मोइन अली, कोर्स और लिविंगस्टोन को 1-1 विकेट मिला है। इंग्लैंड की तरफ से मोइन अली 47 और डेविड विली ने 41 रन बनाए हैं और बेरस्टो 38 और लिविंगस्टोन ने 31 रन जोड़े। भारत की तरफ से चहल ने 4 विकेट झटके, बुमराह, हार्दिक पांड्या को 2-2 विकेट मिले। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह मैदान पर करेंगे वापसी, लेजेंड क्रिकेट लीग में खेलते नजर आएंगे। कर्नाटक के मैसूर में बॉक्सिंग रिंग में बॉक्सर की मौत, पंच लगते ही गिरा बॉक्सर, अस्पताल में बॉक्सर की मौत हुई। आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने सुष्मिता सेन के साथ डेटिंग का ट्विटर पर खुलासा किया, लिखा, नॉट मैरिड, जस्ट डेटिंग ईच अदर। ललित मोदी ने सुष्मिता सेन के साथ शादी की जताई उम्मीद, सुष्मिता सेन ने अभी तक नहीं की है ललित मोदी के साथ रिश्ते की पुष्टि। ऋतिक रोशन अपनी गर्लफ्रेंड सबा आजाद के साथ लंदन में गुजार रहे हैं छुट्टियां, सबा ने शेयर की ऋतिक के साथ तस्वीरें।
कंगना रनौत ने नई फिल्म इमरजेंसी का टीजर सोशल मीडिया पर शेयर किया। फिल्म में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के किरदार में नजर आएंगी। लता मंगेशकर का बुजुर्ग कलाकारों के लिए नासिक में ओल्ड एज होम का सपना होगा साकार। परिवार ने स्वर मौली फाउंडेशन की शुरुआत की।